झालू में बना कान्य पशु आश्रय स्थल इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गौवंश को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षाओं पर खुद ही उनका सरकारी अमला पानी फेरता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें झालू कान्हा पशु आश्रय स्थल की हैं। वैसे तो इस पशुशाला की व्यवस्थाओं का जिम्मा स्थानीय नगर पंचायत का है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर क्या खाना पूर्ति की जा रही है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। पशुशाला की दीवार धराशायी हो चुकी है, परिसर में गंदगी पसरी हुई है, कई गौवंश मरणासन हालत में पड़े अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मामले को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गौशाला पहुंचकर जब ये हाल देखा तो पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बजरंग दल और बिहेप कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर जब गौशाला की देखरेख का जिम्मा उठा रहे लिपिक अनुज अग्रवाल से जानकारी ली गई तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सर, यहाँ पे जो जानवर मर रहे हैं, ये भूखे प्यासे मर रहे हैं या बीमारी से? अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन एक जो गाय बैठी हुई है ये वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, जिसका 2-3 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, बोतल चल रही है। ठीक और जल्दी रिकवरी होने की उम्मीद है, बाकी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो होगा उचित होगा वही कर रहे हैं। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने कहा कि गौशाला में कुछ पशुओं की हालत खराब है, जिनका उपचार कराया जा रहा है। उधर बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर ही उन्हें धमकाने का आरोप लगाया और मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात की। ब्यूरो रिपोर्ट। आज गौशाला जो सरकार से बनी हुई है झालू नगर पंचायत में, इसकी दीवार गिर चुकी थी, उसके बारे में सूचना मिली और मैं ज्ञानेश्वर सिंह मंडावली प्रखंड विश्व परिषद अध्यक्ष हूं। हमारी आलोक वर्मा ईओ साहब से बात हुई, हमने उन्हें सारी बात समझाया, उन्होंने उल्टा हमें ही डपटना शुरू कर दिया कि कहां नींव निकली है, किसकी निकली है। मैं तो वहां आया था, देख के गया हूं और वो यहां आने को तैयार नहीं हुए और ना कोई उन्हें संतोषजनक जवाब दिया। और जब वो हमारे साथ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ इस तरह के वार्ता करते हैं तो साधारण लोगों के साथ कैसी वार्ता करते होंगे। यहां अभी पिछले दिनों बड़ा आंदोलन इनके प्रति चला पे को लेकर और उसमें बड़ा घमासान रहा। हम प्रशासन से आग्रह अनुरोध करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द जांच हो, अन्यथा हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे और हम इनके यहां से तबादले की भी मांग करते हैं, क्योंकि लगातार कई वर्षों से, मैं भी यहां झालू के पास का ही निवासी हूं, तो लगातार ये किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं। नगर पालिका के चेयरमैन हो या ईओ साहब, या आपस में दोनों झगड़ते हैं, इसी कारणवश कोई भी इस कस्बे में विकास कार्य नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है सब कुछ। सवासदों से इनका मामला है, बिल्कुल सवासदों ने भी कुछ कगह से मामला किया था, अपने डीएम साहब को यहाँ उसके अपने इस्तीफा सौंपा गया था, तो लगातार लंबे समय से ईओ साहब के खिलाफ प्रदर्शन चलते आए हैं। चेयरमैन की और ईओ साहब की दोनों की आपस में नहीं बनती, ये दोनों की आपसी रंजिश के कारण पूरे कस्बे का विकास खत्म हो चुका है। यहाँ जिसे पूरा भारत में हिंदू समाज अपनी गौ माता बोलता है, वो इतनी पीड़ित है जिसका कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता। ये पूरी गौ माता की पूरे आश्रय स्थल को गंदा, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यहां पर खड़ा हूं, कोई एक बाजरे की या चरे की टहनी उठाकर यहां का कर्मचारी दिखाए, यहां हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, मशीन खड़ी हुई है, कोई कटने की व्यवस्था नहीं है, यहां सिर्फ भूसा मिलता है। नहीं, जानवर यहाँ पे क्यों मर रहे हैं? जानवर रोज मर रहे हैं, जब उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं, अभी भी पड़े हुए हैं 2-3 जानवर यहाँ पर, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। हमने अपने प्राइवेट तौर से हमने डॉक्टर को बुलाया तो कोई गुंजाइश नहीं है उन जानवरों के अंदर, पता नहीं कितने हफ्तों से वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। कहते हैं नगर पालिका को यहाँ से हटाया जाए, किसी ईमानदार व्यक्ति का यहाँ स्थापित किया जाए और इस मामले की पूर्णतः जांच हो।